नहीं, ये वापस वापस कैसे? मैं इसके सामने आ गई थी अपने असली रूप में। तो? आज तेरे सामने शिवन्या की बेटी शिवांगी खड़ी है। बड़ी माँ? बड़ी माँ? बड़ी माँ? बड़ी माँ? बड़ी माँ? बड़ी माँ? बड़ी माँ जिंदा? पुलिस ने मैं कुछ चीजें दिखाई, हमें तो लगा था कि आप। बड़ी माँ कहाँ चली गई थी? आप ऐसे छोड़ के मैं मत जाइए बड़ी माँ, प्लीज छोड़ के कभी मत जाइए हमें। नहीं रॉकी, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगी। मैं तुझे छोड़कर कहाँ जा सकती बेटा? मैं वादा करती हूँ जब तक जिंदा हूँ तेरे साथ ही रहूंगी। मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगी। अच्छा हुआ ये मोटी वापस आ गई। वो तो ठीक है, लेकिन हमें क्यों घूर के देख रही है? ये कब कैसे क्यों देखती है आज तक पता चला है? बड़ी माँ क्या हो गया था आपको? बड़ी माँ बहुत, मैं तो मर ही जाती बेटा अगर ये मुझे नहीं बचाती। उत्तरा, उत्तरा ने मुझे बचाया। मासी जी, रॉकी, तूने उत्तरा को पहचान लिया? ये नहीं कैसे बोल सकता हूं, जब माँ बाप थे तो ये हमारे यहां काम करती थी, मुझे एकदम बेटे जैसा पाला था, मेरा इतना ख्याल रखा, माँ जैसी हो गई थी। हाँ मुझे भी याद है, मेरी गृह प्रवेश में इन्होंने ही तो कलश रखा था। अच्छा लगा मुझे, सबको याद है मैं इस घर में काम करती थी। मैं आपको कैसे भूल सकते, महाराष्ट्र खाना खाने की आदत हम पंजाबियों को आपने तो डाली थी। मक्खी, ये ओवर एक्टिंग की दुकान इस उत्तरा को घर पर क्यों लाई है? आई मीन घर की पुरानी नौकरानी को घर में वापस लाने का क्या मतलब? यामिनी है, कुछ तो प्लान किया होगा। बेटा अगर उत्तरा नहीं होती तो आज मैं भी नहीं होती। बेमा मासी जी, शुक्रिया भी बहुत छोटा शब्दों का ये कहने के लिए कि आपने बड़ी माँ की जान बचाई। आउच। बड़ी माँ बहुत दर्द हो रहा है उत्तरा, मुझे मेरे कमरे तक ले जा, मैं आराम करना चाहती हूँ बेटा। जी बड़ी माँ, अब रेस्ट कीजिए प्लीज। हाँ बड़ी माँ, आपको आराम की जरूरत है। हाँ मोहब्बत है, मुझे भी है बड़ी माँ से, मुझे बहुत मोहब्बत है। हाँ बड़ी माँ, इतना तो तय है कि यामिनी ने मुझे मेरे नागिन रूप में देख लिया था, तो फिर ये सबको बता क्यों नहीं रहे कि मैं एक नागिन हूँ? इसने मेरे बारे में किसी से कुछ पूछा क्यों नहीं? ये सब क्या हो रहा है? चलो चलो राहुल, कोई काम कर, तुझे आपको फोन कर, बेचारा बड़ी माँ को ढूंढ रहा होगा। वेस्ट ऑफ टाइम, खामखा अंदर गया, कोई नहीं था वहां। श्री डॉग्स हाउस, लावारिस जंगली कुत्तों ने ऐसे झपटा कि मैं डर ही गया। अब कहाँ ढूंढेंगे बड़ी माँ को? हाँ रामिल, ओह चलो थैंक गॉड। हाँ मैं भी आया, बड़ी माँ घर आ गई, हम उन्हें यहाँ ढूंढ रहे और वो घर पे। लेकिन गौतमी तू समझ नहीं रही, यामिनी ने मुझे देख लिया था मेरे असली रूप में, इच्छाधारी नागिन के रूप में। उसे मारने से पहले मैं अपने असली रूप में उसके सामने गई,
उसे ये बताने के लिए कि मैं उससे अपनी माँ की मौत का बदला ले रही हूँ, पर वो मरी नहीं, जिंदा है और वापस आ गई है। शिवांगी काम डाउन हो जा और इतना डर मत। अगर उसने सच में तुझे देखा होता तो अब तक वो ये सच जाके बाकी सबको बता चुकी होती। वो चुप रहने वालों में से नहीं है। तुम दोनों बात करो, मैं आती हूँ। गौतमी बिल्कुल सही कह रही है, अगर यामिनी ने तुम्हारा असली रूप देखा होता तो अब तक रुद्र वो कहती कुछ और है और करती कुछ और। तुम्हें कैसे पता उसने मुझे मेरे असली रूप में नहीं देखा? हमने उसे मार दिया था और वो ऐसे वापस आई है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसने वो औरत कौन हो? वही जो यामिनी के साथ इस घर में वापस आई। यामिनी कह रही थी कि उसी ने उसकी जान बचाई। शिवांगी तुम्हें उस औरत से दूर रहना होगा। अगर वो यामिनी के साथ आई है तो वो जैसी दिखती है वैसी है नहीं, और हमें पता नहीं कि वो कौन है। और दूसरी बात, तुम्हें यामिनी से भी सतर्क रहना होगा। कुछ भी करने से पहले देखना होगा कि वो क्या करती है और वो क्या कहती है। यामिनी अब तक मेरे पास नहीं आई, ना मुझसे बात की, ना मेरे बारे में किसी से कुछ पूछा। उसके दिमाग में कुछ तो चल रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं मेरा असली रूप सबके सामने लाने के लिए वो कोई प्लान? नहीं, वो कुछ करे इससे पहले मुझे कुछ करना होगा। शिवांगी क्या कर क्या रही? क्या हुआ? हमेशा घोड़े पे सवार रहती हो, इज एवरीथिंग ओके? हाँ। क्या हुआ? नहीं, वो अजीब सी बेचैनी हो रही थी। मुझे भी आज का दिन ही कुछ ऐसा है, पर यू नो व्हाट, मैं जानता हूँ तुम क्यों बेचैन हो। चलो मेरे साथ। कहाँ? चलो तो सही। अरे पर हम जा कहाँ रहे हैं रॉकी? बड़ी माँ के पास आओ। मुझे नहीं जाना। तुम्हें नहीं जाना? अरे चलो तो सही, तुम्हें भी तसल्ली हो जाएगी वो ठीक है और तुम्हारी बेचैनी भी दूर हो जाएगी। नहीं रॉक, एक सेकंड सुनो, देखो बड़ी माँ की तबीयत बहुत खराब है, इस वक्त उनसे मिलना सही नहीं है, उन्हें आराम की जरूरत है ना। और मुझे तुम्हारी जरूरत है। बड़ी माँ आप यहाँ, हमें कह दिया तो हम आ जाते। मौत के मुंह से निकल कर आई हो तो क्या मैं यहाँ नहीं आ सकती? मेरा मतलब है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है ना शिवाजी? मैं यहाँ सिर्फ तुम्हारे लिए आई, इसलिए मैंने कहा मुझे तुम्हारी जरूरत है, खास कर कल। कल? हाँ कल, कल तुम, मैं और उत्तरा, हम तीनों कुछ करने जा रहे हैं, इसलिए कल का दिन मेरे लिए रखना। कल क्या बड़ी, ये तो आपके लिए पूरी जिंदगी है। अच्छा लगा ये सुनकर कि तुम दोनों मुझसे बहुत प्यार करते हो। अब बदले में मुझे भी तो प्यार देना चाहिए। मेरा मतलब है अब तुम दोनों को मुझे अकेला छोड़ देना चाहिए। गुड नाइट बड़ी माँ। गुड नाइट। अब तो ठीक है। यामिनी देख, ये क्या हो गया तुझे? हे भगवान, सही बहुत दर्द हो रहा है, मुझे रोना आ रहा है। तू कहाँ गायब हो गई थी? हम लोगों को टेंशन में डाल के तू कहाँ सैर सपाटा कर रही थी? कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा हमने तुझे। यामिनी कहाँ गई थी? मैं फ्रेश होने जा रही हूँ। हमारी फ्रेशनेस खो गई है, तुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता और तू फ्रेश होने जा रही है। बताए मुझे, घर में भी सब मुझसे पूछ रहे थे, सबको मेरी बहुत फिक्र है, तुम दोनों को भी है। थैंक यू सो मच, अब मैं जाऊँ। तुझे हो क्या गया यामिनी? यहाँ हम तेरे लिए मरे जा रहे थे और तू जवाब देना भी जरूरी नहीं समझ रही। जवाब? तेरे सवालों का जवाब मैं क्यों दूँ?